हेलो दोस्तों, और मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित बानखेड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जो कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जिसमें नीट रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऐसे आपको नीट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और नीट स्कोर की ज़रूरत नहीं है आपको ये सब कोर्सेज़ करने के लिए। और ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज़ भी है, अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है पर आप किसी भी कारण से नीट नहीं दे पाए या फिर आपका नीट में लो स्कोर है, तो आप ये जो है कोर्सेज़ को एक बार देख सकते हैं। अगर आपका इसमें से किसी में भी इंटरेस्ट है और आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है और आपको कोर्सेज करने ऐसे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी हो, तो यार ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो कोर्स है जो आप लोग कर सकते हैं वो है आपका बैचलर ऑफ साइंस। आपको पता है बीएससी जो होता है, तो बीएससी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बीएससी कोर्स तो बहुत सिंपल है और बहुत बेसिक लेवल का कोर्स है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएससी में काफ़ी सारी ऐसी ब्रांचेस है जैसे कि डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशन और बायोटेक्नोलॉजिस्ट और डेयरी फार्मिंग, काफ़ी सारी ऐसी ब्रांचेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, योगा साइंसेस। तो ये सारी अपकमिंग ब्रांचेस है जिसकी जो फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो इसमें आप बीएससी करते हैं, इसके बाद आप अगर एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आपके नाम के सामने डॉक्टर वैसे भी लगेगा। और जो आजकल जो डिमांड है जो योगा साइंस और जो क्लिनिकल डाइटिशियंस की, वो बहुत ज़्यादा है। तो यार ये सब जो कोर्सेज है आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकेंड कोर्स जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट। आपको पता होगा कि जो आँखों के डॉक्टर होते हैं, तो आँखों के जो डॉक्टर होते हैं उन लोग को ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप जो है मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मतलब जो इसका स्कोप है वो आपको पता ही है कि आजकल जो स्क्रीन यूजेज है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। मोबाइल फ़ोन पर सब लोग अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसके कारण जो आने वाले टाइम में ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो जॉब है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने ही वाला है आने वाले टाइम में। जो नेक्स्ट आप कोर्स कर सकते हैं उसका नाम है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसका जो कोर्स का नाम है वो BOT है। तो यार ये जो कोर्स है ये बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। इसके बारे में आप पता ज़रूर करिएगा। जो स्पीच डिसऑर्डर होते हैं कई लोगों में और जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती है उससे डील करता है ये। और इसके लिए कोई भी नीट एग्ज़ाम रिक्वायर्ड नहीं होती, इसके लिए अलग से एडमिशन्स होते हैं, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स और एनी अदर बेसिस। तो ये वाला कोर्स भी आप एक बार देख लीजिएगा आपको अगर करना हो, आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नर्सिंग जो कोर्स है, तो नर्सिंग ऐसा कोर्स है जिसमें नीट एग्ज़ाम अभी काफ़ी सारे कोर्सेज में ऐसे कई काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर नीट एग्ज़ाम के थ्रू हो भी रहा है, पर काफ़ी सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर नीट एग्ज़ाम रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, काफ़ी सारे कॉलेजेस में अभी नीट एग्ज़ाम रिक्वायर्ड कर दिए। पर नर्सिंग एज सच अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो इसका जो फ्यूचर आपको पता ही है कि आपकी जॉब एक तरीके से पक्की हो जाती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में भी आपकी जॉब लग सकती है अगर आपकी जो है आपके स्टेट में रेगुलरली गवर्नमेंट जॉब्स आती है, तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन। आपको पता है कि पैंडेमिक के टाइम में सबसे ज़्यादा इमर्जिंग जो फील्ड है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन है, क्योंकि इस टाइम हमें पता चला है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको बायोलॉजी से जोड़कर किस तरीके से हम बड़ी बड़ी वैक्सीन्स को भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो यार ये जो अपकमिंग फील्ड है इसमें आगे आपको पता ही है कितना अच्छा फ्यूचर आपका बन सकता है अगर आप इस फील्ड में अभी एंटर कर लेते हैं। तो यार ये एक और कोर्स है जो कि जिसमें नीट रिक्वायर्ड नहीं है। तो यार अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें मतलब बीटेक वगैरह भी कर सकते हैं, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये एक कोर्स है। और फार्मेसी जो है, फार्मेसी नेक्स्ट कोर्स है हमारा, जो फार्मेसी भी आप कर सकते हैं, अपनी दवाई की दुकान खोल सकते हैं या फिर किसी भी तरह की इंडस्ट्री भी आप खोल सकते हैं अगर अपने आपके पास फार्मेसी की डिग्री है तो। और इसके लिए भी नीट रिक्वायर्ड नहीं है। तो यार ये वन ऑफ द कोर्सेज है जिसमें नीट रिक्वायर्ड नहीं है और वो मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज भी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजिकल पोस्ट, जैसे कि मतलब क्या होता है विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स इन टू द इंडस्ट्री। आपको पता है कि जैसे काफ़ी सारी एक्सरे मशीन्स होती है और MRI के लिए मशीन्स होती है, इन सबको यूज़ करने के लिए टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, तो आप वो टेक्नीशियंस वाले कोर्स कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस और जो MRI वाले टेक्नीशियन होते हैं। तो इसमें भी आप ग्रोथ बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आजकल कितना ज़्यादा डिमांड है मेडिकल फील्ड में। तो आप ये शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, जिसके थ्रू आपको एक बहुत बढ़िया मतलब स्टार्ट में जो आपको पैकेज मिलता है वो बहुत शानदार होता है। और इसके बाद अगर आप उसमें और भी एडवांसेस करते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, उसी के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट जो कोर्स है उसका नाम है मेडिकल रिसर्च। तो आप मास्टर लेवल ऑफ एजुकेशन अगर प्राप्त कर लेते हैं तो इसमें जो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा मतलब शानदार हो सकता है। अगर देखिए आपको पता है कि जैसे कि BDS हो गया और
फार्मेसी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो इसमें भी नीट रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप, अगर आपने नीट नहीं दी या फिर आपके नीट में कम मार्क्स है तो आप मेडिकल फील्ड में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ MBBS अकेला ही कोर्स नहीं है जिसके थ्रू आप जो है मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे दूसरे भी कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप जो है मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकते हैं और अपना नाम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए यार, मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया था ताकि आप लोग जितने भी ऐसे दोस्त हैं मेरे जो कि नीट नहीं दे पाए या फिर उसमें आपके कम मार्क्स है, तो उनके लिए वीडियो है खास करके ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो पाए और उनको एक डायरेक्शन मिल पाए कि किस डायरेक्शन में उनको सोचना है और किस डायरेक्शन में वो लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।